हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। स्वागत है फिर से एक नया वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ खाना बनाने का कंप्लीट पैकेज, जो कि जिन भाई साहब बाहर रहते हैं अकेले, उन्हीं भाई साहब सबको खाना बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम लाए हैं कंप्लीट पैकेज जो एक ही बार में 10-15 मिनट के अंदर खाना बन जाएगा। तो हमारा खाना बनाने का जो जो इक्विपमेंट है, जो जो सामान है, ये है पोटैटो, ये है एग और ये है चावल, आप लोग देख पा रहे हो। और मेरे पास है एक शीशा का जार और वाटर हीटर। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँ ये कितना वाट का वाटर हीटर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए, सबसे पहले हमारा यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मौजूद है, हम उसी के मदद से आज कंप्लीट पैकेज खाना बनाएंगे, जो कि एक बार में हमारा खाना कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये उतना मस्त चीज़ है नहीं, ये थोड़ा सा साधारण चीज़ ही से खाना बन जाएगा, जो कि आप लोगों को शायद किसी को भी पसंद भी आएगा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग खिचड़ी भी बोल सकते हैं। ये एग कंप्लीट हो जाएगा उसमें डालने के बाद, पोटैटो भी पक जाएगा और ये चावल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, चलते हैं खाना बनाने की तरफ। सबसे पहले हम इसमें पानी डालेगा, जो कि हमारा चावल बनने में मदद करेगा। इससे पहले मैंने कभी खाना नहीं बनाया, खाना बनाने का एक्सपीरियंस मेरे पास है नहीं, फिर भी हम आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कितना कम टाइम में कंप्लीट खाना बन सकते हैं। चलिए, पानी तो डाल दिया, अब मेरे पास है ये है पोटैटो भी डाल रहे हैं, और ये है अंडा जिसे धोना पड़ेगा। लेकिन इसमें थोड़ा बाद में डालते हैं, उससे पहले हम चावल को धो लेते हैं। ये है चावल, हम चावल धोने के लिए इसमें पानी डाल रहे हैं, ताकि ये अच्छा से सफाई हो जाए। बस एक आदमी के लिए इतना ही काफ़ी है, हमारा जिन भाई साहब अकेला रहता है उन्हीं भाई साहब के दुख के लिए हम आज ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वाटर हीटर के मदद से हम खाना बनाएगा। अगर खाना बनाने का तरीका गलत हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो गाइस, हम इसमें डाल रहे हैं पूरा जितना चावल था, हम इसमें डाल दिया, तो चावल मेरे हाथ में बच गया, फिर भी हम इसमें डाल रहे हैं, बस पूरा डाल दिया। अब बारी आ गया एक, ये अंडा फोड़ेगा नहीं, इसमें ऐसे ही डालेगा। तो चलिए, डाल दिया। भाई साहब, कितने टाइम में अंडा बनते हैं आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, मेरे को पता नहीं कितना टाइम में अंडा पक जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम थोड़ा सावधानी से इसके अंदर वाटर हीटर डालते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ये वाटर हीटर कितने वाट का है। तो इसको प्लग हम पार का अंदर डाल रहे हैं। अब ये कैसे गर्म होने लगते हैं हम भी देखेगा, और कितना टाइम लगता है खाना बनने में वो भी देखेगा। ये गरम हो क्या रहे नहीं मेरे को पता नहीं, फिर भी हम इसमें हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि ये किस सिचुएशन पे है मेरे को पता नहीं, इसलिए हम इसमें हाथ नहीं लगाया। लेकिन पानी उगल रहा है, हमको दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या नहीं मालूम। तो चलिए, हम दिखाने की कोशिश कर रहा है ये इसमें कितना पानी उगल रहा है। तो भाई साहब, हमारा यहाँ पानी तो उगल रहा है, वाटर हीटर भी हीट हो रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है, इसमें खाना बन पाएगा ये एक्सपेरिमेंट? कैसा एक्सपेरिमेंट, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा, फिर भी मैं खुद के आइडिया से ये एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ। अगर सक्सेस आया तो आप लोग ध्यान से कर सकते तो करेगा, वरना इससे दूर ही रहेगा। भाई साहब, इसमें से धीरे धीरे स्मोक भी आ रहा है, ऐसे भी ये तो शीशा का जार है,
क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए हम शीशा के जार ही लिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई दे इसमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए हम थोड़ा दूर है ताकि सेफ रह सके। गाइस 3:15 में हम ये एक्सपेरिमेंट चालू किया, आप लोग देख पा रहे हो टाइम अभी 2 मिनट हुआ है, इसमें से स्मोक निकल रहा है। तो कितना टाइम में ये खाना पक जाएगा हमें भी इसी का इंतज़ार है। चलिए ये इसमें कितना पानी उगल रहा है आप लोग देखो। ये तो पोटैटो इधर से दिखाई दे रहा है। तो गाइस हमारा चावल उगलने लगा है, आप लोग देख पा रहे हो कैसे ये चावल उगल रहा है। मेरे को कोई आइडिया नहीं खाना कैसे बनाए, कितना टाइम लगेगा और कितना पानी डालना चाहिए ये भी नहीं मालूम, फिर भी हम आज आके ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने लगा हो। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो पानी का कलर है चेंज हो गया है। बेसिकली हम गैस के ओवन में किसी मेटल की इस चीज़ में खाना बनाते हैं, लेकिन हम ये शीशे के जार से ही खाना बना रहा है। वाह कैसे पानी का बबल निकल रहा है आप लोग देखो, हीटर भी ऊपर से गीला हो रहा है। कैसे बन रहे हैं आप लोग देखो। तो गाइस फाइनली हमारा खाना बनके तैयार हो गया है। तो चलिए खाना क्या क्या बना, ये हमारा चावल जो कि आप लोग देख पा रहे हो, ये चावल बनके तैयार हो गया है और ये साथ में आलू भी डाला था आप लोग देख पा रहे हो ये आलू कैसे। और ये है हमारा अंडा, अब ये अंडा फोड़ने का टाइम आ गया, तो चलिए देखते हैं ये अंडा कैसे बना है। तो अंडा फोड़ेगा तो इससे पहले हम अलग से एक प्लेट लिया है, वो प्लेट में फोड़ेगा, उससे पहले हम धो लेते हैं क्योंकि ये गर्म है, इसमें थोड़ा पानी भी डाल दिया। ये पानी को फेंकते हैं, अब ये अंडा फोड़ेगा। वाह बहुत अच्छा अंडा बन गया है, वाह इतना अच्छा शायद गैस के ओवन में ही बन नहीं पाएगा, इसे खाएगा कौन। गाइस आप लोग खाना चाहते हो तो आप लोग आ सकते हो ये अंडे के लिए, हम ये खाएगा, हम बना है, हमारे एक्सपेरिमेंट है तो हम ही खा के देखते हैं। तो चलिए आप लोग कोई खाना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत टेस्टी है भैया, इतना अच्छा टेस्टी है क्या बताऊँ। तो चलिए हम इसको रखते हैं, इसको बाद में खाएगा। और हमारा जो ये आलू है वो भी तो बन के तैयार हो गया है, हम एक साथ कंप्लीट खाना बनाया। हमारा जिन भाई साहब घर के बाहर रहते हैं या फिर अकेला रहते हैं उन भाई साहब चाहे तो ऐसे करके खाना बना सकते हैं, लेकिन ध्यान से क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से खाना बनता है इसलिए। तो गाइस ये है चावल, चावल भी बन गया देख सकते हो, आप चाहे आराम से खा सकते हो, लेकिन जो लोग नॉन वेज है वो लोगों के लिए ये नहीं है, सिर्फ वेज लोगों के लिए यही सही है। नॉन वेज जो लोग है वो लोग तो अंडे के साथ ये खा सकते हो। ये बहुत अच्छा से बना है, इसमें नमक डाल के या फिर ये आलू में कुछ कुछ और जो जो डालते हैं वो डाल के आप अच्छे से खा सकते हो। मतलब कितने टाइम लगा है, लगभग मेरा टाइम लगा है
मैं 3:15 में ये वीडियो स्टार्ट किया था। अभी टाइम है, आप लोग देखो 3:48 हो गया है। चलिए ये हाथ पाथ सब धो लेते हैं क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है, 100% कम्प्लीट। चाहे तो आप लोग भी ऐसे ट्राई करो, लेकिन ध्यान से। तो गाइस, फाइनली हमारा ये खाना बनाने का कम्प्लीट पैकेज आज कम्प्लीट हो गया है। तो चाहे आप लोग ऐसे करके ट्राई करो। हमारा जिन भाई साहब अकेले रहता है, बाहर रहता है, उन भाई साहब के लिए हम स्पेशली ये खाना बनाया। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो के लिए, मेरे लिए नहीं, ये खाना के लिए लाइक ज़रूर करना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी बताना, क्योंकि आपके लिए कमेंट बॉक्स और सब्सक्राइब बटन। ओके फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहना, आबाद रहना। बाय बाय, टेक केयर एंड टिल देन। जो खाना हमने बनाया है कंप्लीट पैकेज, आधा घंटा या 35 मिनट के अंदर वही खाना ये बच्चे खा रहा है। कैसे आनंद से खा रहा है, आप लोग देखो। बेटा, सबको हाय कहो।